हे व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बॉलिंग टिप्स WCC 3 के अंदर। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, बस इतना ही इंट्रो है एंड सब कुछ वीडियो पर अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। रोज ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे, सब्सक्राइब नाउ एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो मैं कौन सी बॉलिंग डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टप्पा देता हूँ, इंडस्ट्री पिच है, रात का मैच है, तो इस बॉल पर आउट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट क्योंकि नहीं हो पा रहे हैं तो भैया यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट हिट लगाना वाइट थ्रो के, ठीक है। ये गया एंड ये हमारे थ्रो के पास, कीपर के पास, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं गाइस कि यहाँ पर हम इस वाली बॉल को थोड़ा सा अच्छा रख सकते हैं, रूम ना दें तो जैसे कि बल्लेबाज खेलने जाएगा तो आउट होने का। गाइस देखो मैंने कहा था आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड वो आउट हो गया। तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि अपने गेंद को धीमा रखो, ताकि अब देखो तुम रिप्लाई जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गजब का था। अब ये मैंने बॉल डाला था एंड देखो यार उसके पैरों के पास टपका है, उसने बिल्कुल फ्लिप मारने की कोशिश करी बट मेरा फील्डर वहीं खड़ा था एंड उसी टाइम उसने कैच भी पकड़ लिया। अब आ चुके हैं स्टीव वॉश में, तो इसको भी सेम बॉल डालेंगे क्योंकि ये भी एक राइट ही है एंड इसको ट्राई करते हैं कि ये किधर मारता है। थोड़ा मैंने पहले टिप्पा दे दिया है, ये थोड़ा फ्लिप कर गया, तो अभी इसको पहले टिप्पा देना गलत कर दिया मैंने शायद। तो कैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हिट चूज़ करी थी एंड यहाँ पर डायरेक्ट हिट लग गई। तो गैस यहाँ पर जब भी रन ले कोई तब आपको डायरेक्ट लगानी है, मैं तो ऐसे ही लगा देता हूँ फालतू टाइम में, क्या करना। अब एक लेफ्टी है तो लेफ्टी को मैं चाहता हूँ कि पूरा स्विंग हो एंड अंदर उसके विकेटों में जाके गिरे। दैन तुम लोग देख सकते हो आउट होने का चांसेस बॉल पर ज़्यादा था एंड ये LBW हो गया, ठीक है। तो अभी देखो यार तुम लोग दो विकेट आ गए इस ओवर में और रन भी सिर्फ दो ही गए, तो इस चीज़ का तुम लोग ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ये लोग कम से कम रन खाएँ, मतलब बॉलिंग अच्छी करो अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्शन रिप्लाई तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ, रिप्ले देखो इसने लेफ्ट आर्म ज़्यादा, तुम लोग हो सके तो लेफ्ट आर्म स्पिनर सीमर्स ज़्यादा रखो ताकि थोड़े ज़्यादा चांसेस हो, ठीक है। ये अंपायर कॉल होगा इंपैक्ट एंड ये आउट होगा। और मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तुमको दिखाता हूँ जल्द से जल्दी कि अब दूसरा क्या होगा, मतलब ये आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा सर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमेंट्री है भैया। मैं सेम बॉल को दोबारा लेफ्ट हैंडेड है एंड इसको भी सेम बॉल डालता हूँ एंड इस बॉल पे शायद शॉट पड़ जाएगा क्योंकि पहली, हाँ भाई यार टुक कर लिया, डिफेंसिव मूड में है ये। इसका नाम है डार्सी शॉट, मैं इसको इधर अलग वाले साइड से बॉल डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं गति थोड़ी ज़्यादा दूंगा, रेगुलर बॉल होगा मेरे ये एंड यहाँ पर मैं स्टिप्पा इसको बिल्कुल विकेटों के पहले दूंगा। और भाई ये कैच हो गया, देख रहे हो तुम लोग एक और कैच हो गया। मतलब ये काफ़ी अच्छा टिप्स है कि तुम लोग गेंद को जितना हो सके विकेट के पास रखो, बट ज़्यादा दूर भी मत रखना और ज़्यादा पास भी मत रखना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तुम लोग जैसे कि देखते हो मैं तुम्हारे गेम प्ले एंड सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो तुम लोग सबसे अभी कर लो यार। अब देखते हैं इनके दो रन पर तीन विकेट गिर गए, ठीक है, पूरा एग्रेसिव। अब मैं इसको फिर से साइड चेंज कर लेता हूँ ताकि अब इसको क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा ऊँचा डालना है एंड स्लो बॉल विकेटों में डालना है डायरेक्टली। और गाइस देखो गाइस ये आउट हो गया, मतलब देख रहे हो गाइस तुम लोग कितना ज़्यादा गदर बॉटिंग टिप्स था कि तुम लोग इसको आसानी से आउट भी कर गए, ठीक है। अभी तुम लोग एक और सेम बॉल को डाल के दिखाता हूँ क्योंकि सिर्फ यही स्पिनर बचा है। मेरे तीन ओवर हो चुके हैं तो अभी मैं देखता हूँ उसे क्या बॉल डलवाता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास अगर अंपायर नॉट आउट देते तो तुम जरूरी नहीं DRS लो ही लो, क्योंकि DRS का एक ऐसी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट है, मतलब कि तुम लोग बचा के रखना चाहते हो रख सकते हो, बट अगर तुम लोग DRS ऐसे ही मौके पर ले लोगे तो आगे चल के तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक आध विकेट के लिए तुम लोग DRS को मत लिया करो काफ़ी ज़्यादा। इसको हम लोग पहली बॉल शॉर्ट बॉल डलवाएंगे ताकि अगर रन पड़े तो पड़ जाएँ, ठीक है। ये देखो एंड मौके पर अगर तुम चेंज करोगे ना तो तुम लोगों के फास्ट बॉलर पर विकेट्स के ज़्यादा चांसेज होंगे, बट मैं बचे नो बॉल नहीं करा। एंड यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ इसको यॉर्कर, क्रीज के बाहर वाइड यॉर्कर नहीं जाएगी, तो इसको देखते हैं। ये हमने डाली एंड खत्म गाइस, गिल्लियाँ बाहर आ गई गाइस। ये वाला विकेट गाइस मेरा फेवरेट होता है एंड इस पर हम लोग एक स्टेटस भी डालेंगे अपने दूसरे चैनल पर जो कि अभी है भी नहीं, इसको ओपन करेंगे एंड फिर डालेंगे, चिंता मत करो, बट ट्राई करेंगे कि ओपन कर लें। तो गाइस क्या मस्त विकेट था ना यार, मतलब उड़ी चली गई गिल्लियाँ। तुमको भी ऐसे विकेट पसंद है तो मतलब मुझे बताओ यार, और ऐसे टिप्स ट्रिक्स स्टंप फ्लाइंग वाला वीडियो लेके आएंगे जैसे कि इसने टुक कर दिया यार, मतलब तो मैं इसको भी एक यॉर्कर देने वाला हूँ
एंड ये वाला यॉर्कर ज़्यादा चांसेस है कि नॉट आउट आएगा। हाँ भाई यार बिल्कुल आएगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट बॉल बची है, हमको 13 रन का लक्ष्य मिल जाएगा। तो देखते हैं इस बारी बॉल पर ये क्या करता है। मुझे नहीं लगता कुछ करेगा क्योंकि यॉर्क होने के चांसेस, भाई यार इसने एक रन भी नहीं लिया।